हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धों क्या है। दोस्तों, विज्ञान में एक मजबूत आस्तिक और थोड़ी अज्ञेयवादी प्रवृत्ति वाले नास्तिक के रूप में मुझे जीवन के बारे में कई सवालों के बहुत सारे संतोषजनक वैज्ञानिक उत्तर मिले, लेकिन एक विषय आज भी मेरी समझ से परे है और मैं अभी भी इस बारे में पूरी तरह से आश्चर्यचकित हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सवाल यह है कि जब हम मरते हैं तो वास्तव में हमारे मन, हमारी आत्मा का क्या होता है? अभी तक कोई सच्चा वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिला है। मौत सबको गले लगा लेती है। यह एक ऐसा भाग्य है जिस पर हम में से कोई भी काबू नहीं पा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में कौन हैं, मृत्यु हम सभी को आएगी। जबकि धर्म, स्वर्ग, अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलना और स्वर्ग में अनंत काल बिताना, या वैकल्पिक रूप से नरक का कभी न खत्म होने वाला दुर्गम जैसी बहुत सारी संभावनाएं प्रदान करता है। विज्ञान को अब तक जो सबसे उचित उत्तर मिला है वह नरक से कहीं अधिक परेशान करने वाला है। शून्यता। आप मर जाते हैं, इसलिए आप निरीक्षण नहीं कर सकते। जिस क्षण आपका मस्तिष्क मर जाता है, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप अवलोकन नहीं कर सकते, इसलिए अवलोकन करने के लिए कुछ भी नहीं। शून्य तक यह कोई गहरा अनंत कालापन भी नहीं है, क्योंकि कालापन अभी भी देखने योग्य चीज़ के रूप में गिना जाता है। शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं है और इसकी कल्पना करना कठिन है, केवल इसलिए क्योंकि हम शून्यता की कल्पना नहीं कर सकते। यही बात जन्म से पहले के हमारे समय के लिए भी मायने रखती है। हम याद नहीं रख सकते क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन हमारा अस्तित्व था शुक्राणु कोशिका के रूप में, दूसरे जीवन के हिस्से के रूप में, बस बिना किसी संवेदी कार्य के। लेकिन हम तकनीकी रूप से अस्तित्व में थे। यदि अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थे, क्या होगा अगर हमें यह रूप दिखाई दे लेकिन हम इसे याद ही नहीं रख पाते? एक रात की तरह, जिसके बाद आप अपने बाथरूम में जागते हैं, अपने शौचालय के सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन को गले लगाते हुए, तुम यहाँ कैसे मिले? क्या हुआ? तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है? तो क्या मृत्यु भी नींद की तरह है? मुझे बिस्तर पर जाना याद है, मुझे जागना याद है, लेकिन मुझे कभी भी नींद आने की याद नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं सोते समय तक सतर्क रहने की सख्त कोशिश करता हूँ तो भी यह कभी काम नहीं करता। मैं बस अगली सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ, बकवास, या फिर से उठ। क्या मौत नींद की तरह हो सकती है? जहाँ तक हम जानते हैं, सोते समय भी मस्तिष्क काफ़ी सक्रियता दिखाता है। हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से दिन की घटनाओं को संसाधित करने, नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाने में व्यस्त हैं, और कभी कभी हम सपने देखते हैं। दरअसल हम हमेशा सपने देखते हैं। ऐसा कभी कभी ही होता है कि जागने पर हमें अपने सपने याद आते हैं, विशेष रूप से यदि आपकी नींद रैंडम आई मूवमेंट चरणों में से किसी एक के दौरान बाधित हो जाती है। लेकिन मृत्यु का मतलब है कि हमारी मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है। हमारे विचारों, हमारे अस्तित्व को बनाने वाले विद्युत रस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे कंप्यूटर बंद करना और प्लग खींचना। निकट मृत्यु अनुभव। हमने मृत्यु को सबसे करीब से उन लोगों के साथ देखा है जो कुछ समय तक चिकित्सीय रूप से मृत रहने के बाद पुनर्जीवित हो गए थे, लेकिन यहाँ भी मस्तिष्क अभी भी सक्रिय था। मस्तिष्क की मृत्यु का अर्थ निश्चित मृत्यु होगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकते हैं जिसका मस्तिष्क थोड़े समय के लिए भी काम करना बंद कर देता है, तो वह गंभीर मस्तिष्क क्षति और मानसिक दोषों के साथ वापस आएगा।
इसलिए निकट मृत्यु तकनीकी रूप से सच्ची मौत नहीं है, यह उतना करीब है जितना आप बिना वापसी के बिंदु को पार किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल की घटना क्षितिज की तरह है, वो बिंदु जिस पर आप कभी भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं पाएंगे, अनिवार्य रूप से विलक्षणता में खींचे जाएंगे। तो मृत्यु और ब्लैक होल में कुछ समानता है, कोई भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि परे क्या है। मैंने कई निकट मृत्यु रिपोर्टों को पढ़ा है और उनमें से अधिकांश रूप में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। लोगों को आउट ऑफ बॉडी अनुभव मिला है जिसमें उनके भौतिक शरीर से अलग होने, चल रही गतिविधियों का अवलोकन करना जैसे पैरामेडिक्स का उनकी सहायता के लिए आना, उन्हें पुनर्जीवित करना और बहुत कुछ शामिल है। उन्हें अक्सर उस कमरे या स्थान के एक कोने में तैरते या खड़े हुए बताया जाता है जहां वे खुद को पाते हैं। बेशक यह मेरी पहली धारणा यह होगी कि उनका मस्तिष्क अभी भी चीज़ों को सुनता है और एक सपने जैसी छवि बनाता है, संवेदी जानकारी को ऐसी घटना में जोड़ता है, मूल रूप से उन्हें प्राप्त सीमित जानकारी को घटना की एक कल्पनीय छवि में बदल देता है। कुछ लोगों ने बताया कि वे किसी प्रकाश प्राणी, किसी मित्र या परिवार के सदस्य से संपर्क कर रहे थे जो उन्हें लोक में आमंत्रित करता था। दूसरों ने स्वर्गदूतों या यीशु को देखने एक सुरंग जिसके अंत में प्रकाश के साथ या ऊपर से आने वाले प्रकाश के खंभे को देखने की सूचना दी। यह अवलोकन अक्सर धार्मिक विश्वासियों द्वारा किए गए हैं, इसलिए यह एक पक्षपाती कल्पना हो सकती है जो कि क्या देखना है इसकी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। दिलचस्प बात यह है कि मेरे जैसे लोगों ने भी, जिन्होंने शुरू में खुद को धर्म से दूर कर लिया था और खुले तौर पर ईश्वर में अविश्वास व्यक्त किया था, उन्होंने ईश्वरीय प्राणियों और स्वर्गदूतों को देखने और उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित करने की सूचना दी। उनमें से कुछ ने जीवन के दायरे में वापस आने के बाद ईश्वर और उसके साथ आने वाली हर चीज़ में अटूट विश्वास के जीवन की ओर रुख करते हुए अपना जीवन बदल दिया है। यह यहाँ पूर्वाग्रह की भूमिका निभाने के अन्य दावों के पूरी तरह से खिलाफ। तो दोस्तों, आज हम समझे हैं कि मौत क्या है और मौत को समझ पाना विज्ञान के लिए आसान नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।